मैं हूं कविता राणा। तो कर्नाटक में बीजेपी के बीएस येदुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन उनकी राह के रोड़े अभी कम नहीं हुए हैं। चुनाव के नतीजों से लेकर शपथ ग्रहण समारोह, या ये कहें कि अभी आगे भी चुनौतियां जारी हैं। 15 मई को जब कर्नाटक विधानसभा के नतीजे सामने आए तो वो हैरान करने वाले थे। राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि बीजेपी 104 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन इससे पहले कि वो राज्यपाल के सामने अपनी सरकार बनाने का दावा कर पाती, पहले से तैयार बैठी कांग्रेस ने अपना पासा फेंक दिया और जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर दिया। कांग्रेस की 78 और जेडीएस की 37 सीटों के साथ दोनों दलों ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया और चुनाव तो हो गए, लेकिन सत्ता की असली सियासत इसके बाद शुरू हुई। बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाती रही कि वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है, तो सरकार बनाने का पहला मौका उनको ही मिलना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी ने जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सवाल उठाया। बीजेपी का आरोप है कि ये गठबंधन चुनाव से पहले का नहीं है, ये एक अवसरवादी गठबंधन है, इसे कांग्रेस और जेडीएस का दावा खारिज होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस गठबंधन के अपने तर्क हैं, लेकिन फिलहाल तो राज्यपाल के न्योते के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है। अब येदुरप्पा की असली परीक्षा बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए उन्हें 15 दिनों का समय मिला है, लेकिन सबसे बड़ा पेच सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। कांग्रेस की अपील के बाद अब शुक्रवार तक उन्हें अपने समर्थक विधायकों की सूची कोर्ट में पेश करनी होगी। जो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।